आगामी 26 सितंबर से नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है, जहां नवरात्रि पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव से मनाया जाता है। शहर शहर गली गली मोहल्लों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है और लोग 9 दिन आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि पर्व को लेकर थाना परिसर भवन में तहसीलदार ज्योति राजपूत और SDM OP सौरभ रत्नाकर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्गा उत्सव को लेकर समितियों की जानकारी, उनके क्रम, चल जुलूस आदि को लेकर चर्चा की गई और समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस अवसर पर SI अंजलि सिंह राजपूत, नगर परिषद अध्यक्ष वसंत दहायत, भाजपा जिला महामंत्री दीपेंद्र सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष मधुगुलाब सोनी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्पेंद्र पटेल सहित विभागों के अधिकारी कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और पत्रकार मौजूद रहे। विवाद की स्थिति उत्पन्न, नवरात्रि एवं अन्य त्योहार को लेकर आज शांति समिति की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई। इसमें सभी विभाग के लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। सबसे पहले नवरात्रि में किस प्रकार का कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा की जानकारी लोगों से ली गई। फिर उन्होंने कुछ सुझाव दिए और अपनी कुछ समस्याएं बताई। इसमें सभी विभाग उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में जी निर्णय लिए गए हैं, सफाई की व्यवस्था रहेगी जी, लाइट की व्यवस्था रहेगी और सड़क मार्ग में जो गड्ढे वगैरह थे उनको सही कर लिए गए हैं जी। पूरे शहर में लाइट की व्यवस्था कर ली गई है, मंदिर परिसर को स्वच्छ बना लिया गया है और जो भी बीच में कुछ और आएंगे उनकी भी हम लोग सारी टीम मिलकर के नगर पंचायत उनका पूर्णतः विकास करेगी।